रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल हाउस फॉर सेल पॉइंट में सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मकान फॉर सेल है, ये देख लें, मैं उसका फ्रंट आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस मकान की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा मकान की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए। तीन मरले में ये मकान बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो तीन मरले में ये मकान बना हुआ है, ये देख लें, ये इसका किचन। किचन में भी जो है फ़र्श पर पत्थर और स्लेब, उसके अलावा जो है ये जो फर्नीचर का काम किया गया है, ग्रिल लगी हुई है, विंडो लगी हुई है, उसके अलावा स्लेब वगैरह, मार्बल की टाइलें, तो मटेरियल वगैरह हर चीज़ आप देख लें। फ़र्श पर टोटली मकान में जो है पत्थर लगा हुआ है, उसके अलावा पेंट वगैरह, छत में जो है सीलिंग वगैरह का काम जो किया गया है, हर चीज़ आपके सामने है। और इसकी लोकेशन क्या है और डिमांड क्या की गई है, हर चीज़ आपको आगे चलकर बताता हूँ। दोस्तों, तीन मरले का ये मकान है, तो हम इसके बात कर लेते हैं, इसमें रूम्स और वाशरूम कितने बने हुए हैं। इस मकान का जो फ्रंट है 34 फीट है, और इसमें रूम्स जो बने हुए हैं 3 रूम्स और 1 गेस्ट रूम, 2 बाथरूम्स, 1 गैराज और 1 किचन। तो दोस्तों, 3 बेडरूम, 1 जो है गेस्ट रूम, 2 बाथरूम, 1 गैराज और 1 किचन इसमें बना हुआ है। उसके अलावा इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। लोकेशन इसकी सियालकोट में जो है निज़्द दुबुरजी अराइयाँ, इसकी लोकेशन है सियालकोट निज़्द दुबुरजी अराइयाँ। तो ये लोकेशन हो गई। इसकी डिमांड क्या की गई है दोस्तों, डिमांड भी आपको बताता हूँ। उससे पहले इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, फुल फर्निश्ड वीआईपी हाउस सीलिंग एट रूफ्स और स्टील यूज इन स्टेयर्स, विंडोज़ मेड ऑफ एलुमिनियम, किचन मेड ऑफ हाई क्वालिटी वुड, ये इसका डिस्क्रिप्शन था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसकी डिमांड भी मैं आपको बता देता हूँ, 65 लाख रुपए इसकी डिमांड की गई है। लोकेशन, डिमांड और हर चीज़, रूम्स वाशरूम मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आईडी के लिए सिर्फ वीडियो होती है, ख़रीदारी करने के लिए मकान मालिक से रबते के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तरीकाकार भी मैं आपको बता रहा हूँ मकान मालिक से रबते के लिए, डिस्क्रिप्शन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है मकान मालिक से रबते के लिए, इस लिंक पर क्लिक करें तो वहाँ से आप उनका नंबर भी हासिल कर सकते हैं। मकान के बारे में कोई भी मज़ीद कोई सवाल हो या मालूमात हासिल करना चाहें या मकान का विज़िट करना चाहें तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आइडिया के लिए सिर्फ वीडियो होती है, आइडिया हो जाए मकान में कितने रूम्स और वाशरूम बने हुए हैं, किस मटेरियल के साथ जो है मकान तैयार किया गया है, लोकेशन क्या है और मकान की डिमांड क्या की गई है। तो एरिया के हिसाब से जो लोकेशन है, लोकेशन एरिया के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर प्लाट की जगह की कीमत क्या है। उस हिसाब से जो मकान जिस मटेरियल के साथ तैयार किया गया है, बना हुआ है, उस हिसाब से इसकी जो डिमांड की गई है मुनासिब है या नहीं। 65 लाख रुपए इसकी डिमांड है, फिर से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। अगर आप चाहते हैं आपको घर बैठे फ्री में इसी तरह की हाउस फॉर सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मिलती रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन लाजमी दबाएँ। उससे ये होगा, हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसके सेलर कौन हैं? अली भाई हैं जो सेल कर रहे हैं। राबता नंबर, तरीकाकार ख़रीदारी का हर चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से दोहराऊँगा, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। तीन मरले का ये मकान है, टोटल जो है 4 बेडरूम हैं, जिसमें से 3 जो है बेडरूम हैं, 1 गेस्ट रूम है और 2 बाथरूम हैं, 1 गैराज, 1 किचन। हाई क्वालिटी का जो है मटेरियल इस्तेमाल किया गया है मकान की तामीर में। तो फ्रंट जो है इस मकान का 34 फीट है। लोकेशन जो है दुबुरजी अराइयाँ के करीब सियालकोट में ये मकान बना हुआ है। तो दोस्तों, यही मकान था आज की इस वीडियो में, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ।
और आप मज़ीद मकान सियालकोट में देखना चाहें ख़रीदारी के लिए, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सियालकोट की प्लेलिस्ट में तमाम सियालकोट के मकान आपको मिल जाएंगे। तो इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।